देखिए, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, आज ये राधा कृष्ण मंदिर गांधीपुरम में आयोजित हुआ है। और इसमें हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय ये है कि हमारे समाज से ही श्री मोहित शर्मा जी, जिनको अभी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आज उनका भी यहाँ सम्मान हुआ है। तो कृपया इस विषय में थोड़ा सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री इंद्र त्रिवेदी जी बताएं शरद पूर्णिमा के विषय पे। आज देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा राधा कृष्ण मंदिर बड़ा वार्ड पर बरेली पर हम लोगों ने शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ संपन्न कराया। और ये हमारी संपन्नता और दुगनी हो गई जब हमने रॉयल कैंट विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में कार्यरत श्री मोहित शर्मा जी का राष्ट्रपति पदक मिलने पर हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान किया। ये हमारे लिए और एक प्रसन्नता की बात बढ़ गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का पर्व एक बड़े उल्लास और उमंग का पर्व है, जिसमें जहाँ पर हम लोग श्री कृष्ण के महाराज की चर्चा करते हैं, वहीं पर हम लोग प्रकृति के साथ एक तादम्य बैठाते हैं और ये अनुभव करते हैं कि आज से कुछ ऐसा रचनात्मक और सकारात्मक प्रकृति में घटने वाला है, जिससे जो मानवीय समाज है वो एक ऊर्जा ग्रहण करता है। और आज से बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमारे और आपके सामने नज़र आते हैं, जिसमें कि हम लोग एक आंतरिक मन में एक ऊर्जा और ताकत शक्ति ग्रहण करते हैं आज के दिन से। तो ये एक ऐसा पर्व है, और ये भी मानते हैं कि आज जो है भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ भ्रमण भी करते हैं, और उसी के फलस्वरूप कृष्ण जो है अपने जब महाराज रचाते हैं अपनी गोपियों के साथ में, तो एक आध्यात्मिक और एक जो हमारे देवता है उनकी एक लीला का मंचन भी कहीं पर घटित होता रहता है। और जो पूर्णिमा है, जो पूर्ण चंद्रमा आज हमें आपको दिखाई देता है, उससे ऐसा भी हमारी मान्यता है, पौराणिक मान्यताएँ हैं कि अमृत बरसता है। तो उस अमृत को कैसे हम लोग ग्रहण करें, तो उसके लिए हम लोग खीर बनाते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, मंदिरों में बनाते हैं, उसको खुले में रखते हैं, और रात का जब बिल्कुल ऐसा समय होता है 12 बजे का, तब उसमें माना जाता है कि अमृत की बूंदें कुछ गिरती हैं और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और मानवीय जीवन ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो।